ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे ग्रह राशि सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। अब तक सूर्य तो आपके धनु राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 14 जनवरी 2022 दोपहर 2:29 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो आपको सभी को मालूम है कि मकर संक्रांति कहलाती है। सूर्य का जो संबंध है वह आपकी सीधा आपका पिता से, यानी सूर्य को पिता कहा गया और आपकी आत्मा का कारक है। पूर्व दिशा का स्वामी है, अग्नि तत्व है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति शुभ है तो जातक बहुत उच्च पदों की प्राप्ति करता है, बहुत विख्यात होता है। उसको यश मान सम्मान धन दौलत राज्य पद सरकारी नौकरी में उच्च पदों की प्राप्ति, जहाँ भी जाता है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। अगर गण्य रहता है सूर्य के समान चमकता है, उसकी बहुत अहमियत बढ़ती है, उसको यश मान सम्मान नेम फेम प्रसिद्धि बहुत मिलती है। अशुभ स्थिति होने पर, अच्छा सोचने पर, अच्छा करने पर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और समय समय पर आप यश का भागीदार बनना पड़ता है। बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर इस राशि परिवर्तन का, सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। और मित्रों यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से इसको देख लीजिए। और दूसरी विनती है आपसे कि अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। सिंह राशि आपकी राशि है, आपकी राशि से यहाँ पर यह 6th हाउस में आए हैं जो कि अच्छी पोजिशन है। 3, 6, 11 में सूर्य अच्छे फल देते हैं और 10वें स्थान में भी अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ पर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ऑल ओवर ठीक रहेगा, लेकिन समय समय पर थोड़ी कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, थोड़ा इनसिक्योरिटी, निगेटिविटी, कॉन्फिडेंस लूज होना, थोड़ी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता थोड़ी सी वीक हो जाएगी और थोड़ा डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी, थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन 6th हाउस में है तो आपके शत्रुओं का दमन करेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कर्जे की बीमारी की स्थिति है उससे आपको राहत मिलेगी, नई नौकरी की प्राप्ति होगी, नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ एक स्थिति शुभ है, जितने प्रयत्न पुरुषार्थ मेहनत आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी, यह एक शुभ स्थिति है। उसके बाद 12th हाउस पर इनकी दृष्टि है, संपूर्ण दृष्टि जैन की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, ये अच्छी स्थिति है। रुका हुआ धन वापस आएगा, जो जातक विदेशों में कार्यरत हैं उनको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और अगर आपका विदेशों से कोई संबंध है, आप ट्रैवलिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं, या कोई नौकरी के संबंध है, आपके नए कॉन्ट्रैक्ट से नए रिलेशन बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा और आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह विचाराधीन है तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन थोड़ा समय समय पर थोड़ी लाभ में कमी, लाभ में रुकावट, जहाँ से पैसा आता है थोड़ा रुक सकता है, थोड़ी रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र अगर खास तौर से एज में बड़े हैं, उनसे कोई नुकसान या संबंध खराब होना, ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं। सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी कमी आ सकती है, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, थोड़ी रुकावटें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर ऑल ओवर करियर की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी, शुभ स्थिति है। करियर से रिलेटेड नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य आपको तरक्की उन्नति के अवसर देगा, तो आपकी विदेश यात्राएं संपन्न हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा, पिता का आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ गेन कर सकते हैं आप। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। आपकी माता जी का आशीर्वाद ब्लेसिंग रहेगा, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, पति पत्नी का एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, प्रेम नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध विवाह शादी में बदल सकते हैं। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, लेकिन समय समय पर थोड़े डिफरेंसेस या पैतृक संपत्ति में कोई वाद विवाद ये थोड़ा क्रिएट हो सकता है। थोड़ा धैर्य रखें, मौन रहें और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। थोड़ा सा बैंक बैलेंस में भी थोड़ी सी कमी आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और तो आपके जमा धन में थोड़ी कमी, बैंक बैलेंस में कमी आना, ये थोड़ी स्थिति है। परिवार के बीच में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस छोटे मोटे सब क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रहें, मौन रखें और अपनी वाणी के ऊपर खास तौर से कंट्रोल करें, नहीं तो आपका माहौल थोड़ा ख़राब हो सकता है। ऑल ओवर स्थिति आपके पक्ष में, आपके फेवर में। संतान की दृष्टि से अच्छी से रहेगी, आपकी संतान तो तरक्की उन्नति के अवसर वहाँ पर प्राप्त होंगे। और विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है,
जितना प्रयत्न जितना प्रसाद मेहनत करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, कोर्स करना है, एडमिशन लेना है, वहाँ सफलता प्राप्त होगी। ऑल ओवर देखिए तो सिंह राशि वालों के ऊपर मित्रों यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा, लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी अहमियत है, हर वीडियो में बताते हैं इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें। अगर सिंह राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की दशांतर दशा या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है तो यहाँ पर आपको सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। थोड़ी सी लाभ में रुकावट आपको थोड़ी सी आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ा मेंटली थोड़ा स्टेबिलिटी में कमी, थोड़े कन्फ्यूजन्स, टेम्पर शॉर्ट, चिड़चिड़ापन या परिवार में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर किसी के ग्रह की दशांतर दशा आपकी कुंडली में अच्छी चल रही तो संभवतः आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तरक्की उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं चल रही है तो संभवतः उसके शुभ फलों में थोड़ी कमी आएगी, फिर आपको कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें, जब दोनों चीज़ें टैली होती है शत प्रतिशत परिणाम मिलते हैं और छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ वाली शक्कर काली चुटियों खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।